देख रहे हैं सी न्यूज भारत और मैं हूं आपके साथ ज्योति अरोड़ा। वक्त हो गया है मॉर्निंग न्यूज का, तो आइए शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला। योगी सरकार की अटल आवासीय विद्यालय पहल गुरुवार को पूरी हो जाएगी। इन स्कूलों के आगामी शैक्षणिक सत्र के लिए करीब 6,480 छात्र नामांकन करा चुके हैं। आज लखनऊ में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ राज्य के सभी 18 मंडलों में अटल आवासीय विद्यालयों के 2024-25 शैक्षणिक सत्र का उद्घाटन करेंगे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज जोधपुर आएंगे। यहां रक्षा मंत्री वायुसेना के युद्धाभ्यास तरंग शक्ति कार्यक्रम में शामिल होंगे। इस दौरान वो उम्मेद भवन पैलेस में भी जाएंगे। देहरादून में कांग्रेस की श्री केदारनाथ प्रतिष्ठा रक्षा यात्रा का दूसरा चरण आज से शुरू होगा। यात्रा प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा के नेतृत्व में रुद्रप्रयाग जिले के सीतापुर से शुरू होगी, जो केदारनाथ तक जाएगी। यात्रा में प्रदेश कांग्रेस के सह प्रभारी सुरेंद्र शर्मा भी प्रतिभाग करेंगे। आज सहारनपुर में रालोद के कार्यकर्ता सम्मेलन होगा, जिसमें पार्टी के कई बड़े नेता शामिल होंगे। साथ ही पार्टी की रणनीति पर भी चर्चा होगी। सम्मेलन अंबाला रोड स्थित एक सभागार में होगा। इस बात की जानकारी रालोद खेल प्रकोष्ठ के राष्ट्रीय अध्यक्ष चौधरी नीरपाल सिंह ने। आज सीएम धामी जम्मू कश्मीर में चुनाव प्रचार के लिए रोड शो करेंगे। वो सांबा बस स्टैंड में भाजपा प्रत्याशी सुरजीत सिंह के पक्ष में रोड शो के माध्यम से प्रचार करेंगे। इसके बाद प्रत्याशी के नामांकन में शामिल होंगे। कार बनाने वाली देश की सबसे बड़ी कंपनी मारुति सुजुकी अपनी कार स्विफ्ट का सीएनजी वर्जन आज लॉन्च करेगी। इस कार की कीमत की घोषणा भी की जाएगी। स्विफ्ट सीएनजी लेटेस्ट जनरेशन हैचबैक पर बेस्ट होगी, जो इस साल मई में पेट्रोल इंजन के साथ बिक्री के लिए उपलब्ध होगी। मुरैना के राजस्व मंत्री एवं जिले के प्रभारी मंत्री करण सिंह वर्मा एक दिवसीय प्रवास पर आज मुरैना आएंगे। बता दें कि प्रभारी मंत्री भोपाल से ट्रेन द्वारा आज सुबह 7:30 बजे मुरैना आएंगे। वीवो की ओर से कंपनी के नए फोन वीवो T3 अल्ट्रा 5G को लॉन्च करने की सभी तैयारी कर ली गई है। इस फोन को आज लॉन्च किया जाएगा। बता दें वीवो T3 अल्ट्रा स्मार्टफोन में एक 50 मेगापिक्सल का सोनी IMX921 कैमरा होने वाला है। इसमें OIS का सपोर्ट भी मिलेगा। अररिया में वक्फ संशोधन बिल के खिलाफ मुस्लिम उलेमाओं और विद्वानों का कॉन्फ्रेंस आज नागरिक अधिकार मंच के बैनर तले फारबिसगंज के एक विवाह भवन में आयोजित किया जाएगा। मणिपुर सरकार ने राज्य में कानून व्यवस्था की बिगड़ती स्थिति के मद्देनजर आज राज्य सरकार की तरफ से सभी स्कूल कॉलेजों को बंद करने का आदेश जारी किया है। वहीं छात्रों के बढ़ते आंदोलन के बीच मणिपुर सरकार ने मंगलवार को पूरे राज्य में 5 दिनों के लिए इंटरनेट सेवाओं को बंद कर दिया है। वक्त हो गया है आज के इतिहास का, तो आइए निगाह डाल लेते हैं आज के इतिहास पर। आज ही के दिन 1873 में पहला टाइपराइटर ग्राहकों को बेचा गया। आज ही के दिन 1922 में पावो नुर्मी ने 500 मीटर दौड़ का विश्व रिकॉर्ड बनाया। आज ही के दिन 1931 में महात्मा गांधी गोलमेज सम्मेलन में शामिल होने के लिए लंदन पहुंचे। आज ही के दिन 1948 में पाकिस्तान के नेता मोहम्मद अली जिन्ना का निधन हुआ था। आज ही के दिन 1959 में तत्कालीन सोवियत संघ का रॉकेट Luna 2 चांद पर पहुंचा था। मॉर्निंग न्यूज में फिलहाल के लिए इतना ही। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज भारत।